मैं आपको यहाँ से बाहर निकलता हूँ। लाइए अब अपना हाथ मुझे दीजिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? कोई इसने मुझे पहचान जान लिया? अपना हाथ दीजिए मुझे, हाथ दीजिए। अब नहीं रुके, मैं भी आपको निकालता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया बेटा। अगर मैं चलता मुझे देर हो रही है। लाचारों की मदद करना तुम्हारी अवत खूब जानता। अब मैं चलता। अब मुझे भी जल्दी करनी चाहिए, बड़े आराम पर बनारी वर्धन लोग निकल जाएगा। ये वीर अभी तक आया क्यों? बस कुछ ही देर में सब जग जाएंगे और उसके बाद अंदर आना नामुमकिन होगा। ये पत्र महाराज आर्यव्रत ने राजकुमार धर्म और वीर के लिए भेजा है और आर्य नगर से कुछ सैनिक राजकुमार अग्नि को लेने के लिए आए हैं क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, मैं वहीं जा रहा था। उन तीनों को उनका संदेश दे दूंगा। लगता है आर्य नगर के लॉर्ड साहब को सवेरे उठने में थोड़ी तकलीफ है। राजकुमार अग्नि, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आपको आर्य नगर ले जाने के लिए सैनिक आए हैं, जाने की तैयारी कर लीजिए। ताजी को हुआ क्या है? पता नहीं, सैनिक बाहर खड़े हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। उठो वीर। अरे कक्षा में जाने का वक्त हो गया है। देर हो गई ना तो गुरु इसे डांट पड़ेगी। चलो उठो। नहीं, वो विशाल क्या हुआ? वीर को उठाना नहीं है क्या? सोने दो ना उसे, मैं उठाता हूँ। सोने दो। अरे कक्षा में जाने का वक्त हो गया है, इसे देर हो जाएगी। देरी नहीं होगी, तुम निकलो वरना तुम्हें देरी हो जाएगी। मैं वीर को उठा दूंगा। ठीक है। आप यहां? राजकुमार धर्म, यह संदेश आपके और राजकुमार वीर के लिए आया है, लीजिए। जी शुक्रिया। वैसे राजकुमार वीर हैं कहां? वो अभी अभी तक सो रहे हैं। लगता है ये दिन की शुरुआत किसी ना किसी नियम को तोड़कर करते हैं। नहीं गुरुजी, दरअसल अरवीर की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए वो सो रहा है। हम उसे कुछ ही देर में जगा देंगे।
रात को खिड़की खुली रखेंगे तो तबीयत कैसे ठीक रहेगी? आज राजकुमार वीर बीमार पड़े हैं, कल बाकी सब भी बीमार पड़ जाएंगे। हमें माफ कीजिएगा गुरुजी, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आप ही जाओ मेरे भाई। ऐसी बेशरम का क्या फायदा जिसका कोई मतलब भी ना हो। अगर वक्त मिले तो अपने आप से पूछना कि कौन है तुम। तुमने आज तक अपने किसी